आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप बंधन बैंक में ऑनलाइन एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको ब्रांच विजिट नहीं करना पड़ेगा। घर बैठे आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे और आपको अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी सब कुछ मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप बंधन बैंक की मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग भी एक्टिवेट कर सकते हैं अकाउंट ओपनिंग के बाद, यानी आपका अकाउंट पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। बंधन बैंक में ऑनलाइन एक सेविंग अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। और अगर डॉक्यूमेंट की बात कर लें तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये चार चीजें रहेंगी, तभी आप बंधन बैंक में ऑनलाइन एक सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स दूंगा। इसमें हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। बंधन बैंक में ऑनलाइन एक सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको बंधन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इसके लिए अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई एक ब्राउजर ओपन करेंगे। ब्राउजर में आपको सर्च करना है bandhanbank.com, या फिर पर्टिकुलर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके बंधन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। जैसे इस वेबसाइट पर आएंगे कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको कुछ ऑप्शंस हाईलाइट किए गए हैं, जैसे होम पेज, प्रोडक्ट ऑफर एंड डिस्काउंट, अप्लाई नाउ। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको और भी ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे अकाउंट, लोन, डिपॉजिट। तो यहाँ पर आप अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नीचे साइड देखेंगे तो आपको मिल जाएगा नियो प्लस डिजिटल सेविंग अकाउंट। इस अकाउंट को आप ऑनलाइन ओपन कर लेंगे और ऑनलाइन ही आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा, आपको आपका अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर न्यू प्लस डिजिटल सेविंग अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इसकी डिटेल्स आ जाएगी। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इसकी डिटेल्स बताई गई है कि आप 5 स्टेप में इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। कॉन्टैक्टलेस, पेपरलेस और हैसल्स फ्री रहेगा, यानी आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आपको ना तो ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, घर में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। 24/7 आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, एनीवेयर एनी टाइम। आपको कोई भी यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है कि आप कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर फ्री में इंस्टेंट आपको ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यूटिलिटी बिल पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, फ्री में आपको वीजा डेबिट कार्ड मिलेगा। और इस अकाउंट पर आपको 5000 रुपये का बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट नहीं है, इसमें आपको 5000 रुपये बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। जो इनका जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट है वो आप ऑनलाइन ओपन नहीं करवा सकते हैं, BSBD अकाउंट है, उसके लिए आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको आई वॉन्ट टू ओपन न्यू प्लस डिजिटल सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा। आपको राइट साइड में ऑप्शन दिखेगा ओपन सेविंग अकाउंट नाउ, जस्ट इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर बताया जा रहा है यू विल बी रिसीविंग अ पॉपअप टू प्रोवाइडेड लोकेशन कंसेंट, तो आपको लोकेशन अलाउ करना है, उसके लिए कंसेंट देना होगा। इसको क्लोज करेंगे, अगर आपका लोकेशन अलाउ रहेगा तो यहाँ पर कंसेंट नहीं आएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे यहाँ पर आपको कंटिन्यू ऑप्शन मिलेगा, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं लोकेशन अलाउ का परमिशन आया है, यहाँ पर आप अलाउ कर देंगे। जैसे आप परमिशन अलाउ करेंगे तो जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर OTP सेंड किया जाएगा। बाद आपको उस OTP को यहाँ पर डालना है। जैसे आप OTP डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा प्लीज टेल एस योर ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है और उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अगेन कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको सबसे ऊपर 6 स्टेप बताया गया है। 6 स्टेप में, 6वें स्टेप में आपका अकाउंट नंबर वगैरह डिटेल्स आएगा। यहाँ पर 5 स्टेप में आपको फॉर्म फिल करना है। तो पहला स्टेप आपका स्टार्ट होता है पैन कार्ड और आधार वेरिफिकेशन, यानी आपको आइडेंटी वेरिफिकेशन करना है। आइडेंटी वेरिफिकेशन के लिए आपको सबसे पहले अपना पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना होता है। आप पैन कार्ड का नंबर डालेंगे उसके बाद आप बैक आएंगे तो यहाँ पर आपका पैन कार्ड वेरीफाई होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना होता है। यहाँ पर आप आधार नंबर डालेंगे तो आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर डालना होता है। जैसे आप OTP डालेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं फेचिंग डिटेल, आपका OTP यहाँ पर वेरीफाई होगा। आपका OTP वेरीफाई होगा उसके बाद आपके सामने यहाँ पर एक बॉक्स खुल कर आएगा। यहाँ पर क्लिक हियर आधार कंसेंट, आपको आधार के लिए कंसेंट देनी है। यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, आपके सामने आधार कंसेंट आ जाएगी। आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड से काफ़ी डिटेल मैच कर लेगा, जैसे आपका फोटो, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस। यहाँ पर राइट साइड में आपको मिल जाएगा मटेरियल स्टेटस, आप सिंगल हैं तो यहाँ पर सिंगल का एक बॉक्स दिखेगा, अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर मैरिड कर देंगे। और यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको डाइवोर्स का मिलता है कि अगर आपका डाइवोर्स हो चुका है तो थर्ड वाला ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपने मदर्स का नाम डालना है
उसके बाद यहाँ पर आपको फादर का नाम, यहाँ पर जो आपका फादर नेम रहता है आधार कार्ड पर वो मैच नहीं कर पाता है। उसके बाद नीचे आएंगे स्पाउस नेम, अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर आपको अपने हस्बैंड का नाम भी डालना होता है। यहाँ पर आप सिंगल चूज करेंगे तब यहाँ पर आपको स्पाउस नेम यानी अपने हस्बैंड का नेम देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिल जाएगा, यहाँ से आप अपना एजुकेशन चूज कर लेंगे। नीचे आएंगे यहाँ पर आपको टाइप ऑफ रेजिडेंस मिल जाएगा कि आपका जो घर है ये खुद का है या फिर आपने लीज वगैरह में लिया है। उसके बाद आपको रिलीजियस मिल जाएगा कि आप हिंदू हैं क्रिश्चियन हैं, यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। अगर आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस परमानेंट एड्रेस बनाना है तो यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आएगा और उस पर टिक मार्क रहेगा। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस सेम नहीं है तो यहाँ पर अदर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस मैन्युअली डालना होता है। यहाँ पर फर्स्ट लाइन मिल जाएगा, सेकंड लाइन डिस्ट्रिक्ट स्टेट पिन कोड डालेंगे, हमारा सेम है तो यहाँ पर हम टिक मार्क कर देंगे। उसके बाद आपको ब्रांच नेम सेलेक्ट करनी होती है, आपके स्टेट पर जितनी भी सिटीज़ में इनकी ब्रांचेज रहेंगी उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जिस भी ब्रांच में आपको अकाउंट ओपन करवाना है तो यहाँ पर आपको ब्रांचेस सेलेक्ट करना होता है। ब्रांचेस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा बैंक एम्प्लॉय कोड, ऑप्शनल है। अगर आपके पास किसी बैंक का एम्प्लॉय कोड है तो यहाँ से आप एम्प्लॉय कोड डाल देंगे। ये ब्रांच की तरफ से इशू होता है कि अगर आपका ब्रांच का किसी का रेफरेंस है तो एम्प्लॉय कोड डाल देंगे, तो अगर नहीं है तो यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड टू इनकम डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको अपनी इनकम की डिटेल देनी होती है। यहाँ पर सबसे पहले आपको मिल जाएगा ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पर सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मिल जाएगा कि आप क्या करते हैं। तो जो भी आप करते हैं तो यहाँ पर आप अपना ऑक्यूपेशन चूज कर लेंगे, यहाँ पर हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। उसके बाद नीचे आएंगे प्रोफेशन मिल जाएगा कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या करते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका प्रोफेशन रहेगा तो यहाँ से चूज कर लेंगे। अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड डाला है तो सेल्फ एम्प्लॉयड में बिजनेस है तो यहाँ पर बिजनेस डाल देंगे। उसके बाद आपको एनुअल इनकम मिल जाएगी, आपकी एनुअल इनकम कितनी है। नीचे आएंगे यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन मिलेंगे, तीन डिक्लेरेशन है। पर सबसे पहला डिक्लेरेशन है कि आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन हैं, तो यहाँ पर आप टिक मार्क कर देंगे कि आप नहीं हैं। उसके बाद यहाँ पर इंडियन सिटीजन और टैक्स रेजिडेंस ऑफ इंडिया, इसका आपको एक कंसेंट मिलेगा, इस पर भी क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक मार्क करेंगे और डेबिट कार्ड पर आपके क्या नाम रहेगा यहाँ पर आ जाएगा। मैं यहाँ पर फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं लेना चाहता हूँ तो यहाँ पर टिक मार्क नहीं करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे प्रोसीड टू नॉमिनी डिटेल मिलेगा, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको अपने अकाउंट पर नॉमिनी डिटेल ऐड करना है तो यहाँ पर यस करेंगे और यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे, नॉमिनी की डिटेल फिल करेंगे। अगर नॉमिनी ऐड नहीं करना है तो यहाँ पर नो करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और प्रोसीड टू रिव्यू पेज पर क्लिक करेंगे। हमें ऐड करना है तो हम यस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नॉमिनी के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, तो यहाँ पर हमारा ब्रदर का है, मैंने ब्रदर चूज कर लिया। नॉमिनी का यहाँ पर फुल नेम देना है। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो भी नॉमिनी के आधार कार्ड पर नाम रहेगा वही नाम आपको डालना है। उसके बाद नीचे आएंगे नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर कैलेंडर मिलेगा, कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। ईयर चूज करेंगे सबसे पहले कि नॉमिनी का ईयर कितना है, तो यहाँ पर नॉमिनी का ईयर अगर नहीं आता है तो स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर 1994, उसके बाद यहाँ पर अगस्त और यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है तो यहाँ पर नॉमिनी का कम्युनिकेशन एड्रेस मिल जाएगा। अगर नॉमिनी का एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पर टिक मार्क कर देंगे, अगर सेम नहीं है तो यहाँ पर अदर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मैन्युअली नॉमिनी का कंप्लीट एड्रेस फिल करना होता है। तो हमारा सेम है तो यहाँ पर हम टिक मार्क कर देंगे। उसके बाद प्रोसीड टू रिव्यू पेज पर क्लिक करेंगे। जितना भी आपने फॉर्म फिल किया है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मदर फादर नेम, सारा कुछ यहाँ पर आपका आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपने फॉर्म फिल करते समय कोई भी मिस्टेक कर दिया है तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके उस फॉर्म को आप सुधार सकते हैं। अदरवाइज आपको सब कुछ सही लग रहा है तो प्रोसीड टू अकाउंट फंडिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपने अकाउंट पर फंड ऐड करना होगा, यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं जितना भी आप फंड ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं 5000 ऐड करना चाहता हूँ, 5000 यहाँ पर टिक मार्क करेंगे। अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, आप मैक्सिमम 10000 ऐड कर सकते हैं, मिनिमम आप 5000। यहाँ पर मैं 5000 ऐड करूँगा। उसके बाद प्रोसीड टू डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऑलमोस्ट आपका यहाँ पर अकाउंट डन हो जाता है, बस यहाँ पर फंडिंग करनी होती है। जैसे आप फंडिंग कर देंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आप कन्फर्म करेंगे, जैसे आप कन्फर्म करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने पेमेंट पेज आ जाएगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कार्ड के थ्रू पेमेंट करूँगा तो यहाँ पर कार्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके कार्ड पर क्या नाम है यहाँ पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे आपके कार्ड पर क्या नंबर है आपके कार्ड का, तो यहाँ पर डालेंगे हमारे कार्ड पर जो नंबर है हम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट डालनी है, आपके सिक्योरिटी कोड मांगेगा,
आपका सिक्योरिटी कोड आपका CVV कोड होता है, तो CVV कोड यहाँ पर डालेंगे, आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका पेमेंट पेज आ जाएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है। तो हमारे नंबर पर OTP आ गया है, तो यहाँ पर हम OTP डालते हैं और यहाँ पर आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको बैक या रिफ्रेश प्रेस नहीं करना है, आपका ये पेमेंट सक्सेसफुल होगा और आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे बंधन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आपको थोड़ा वेट करना होता है, जैसे ही यहाँ पर आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा उसके बाद आपका अकाउंट भी सक्सेसफुली ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको नोटिफिकेशन भी मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली ओपन योर बंधन बैंक नियो प्लस सेविंग अकाउंट। अब यहाँ पर आपको अपने अकाउंट की डिटेल चेक करने के लिए क्लिक हियर टू व्यू योर अकाउंट डिटेल, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके अकाउंट की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं आपका अकाउंट नंबर, कस्टमर ID, IFSC कोड, आपका ब्रांच का डिटेल यहाँ पर आ गया। अब अगर आपको अपने इंटरनेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करना है, अगर इस डिटेल को डाउनलोड करना है तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके आप अपने इस डिटेल को डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग में रजिस्टर करना है तो रजिस्टर ऑन इंटरनेट बैंकिंग पर क्लिक करेंगे, इंटरनेट बैंकिंग करेंगे और यहाँ से आप इंटरनेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस पर भी मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को देख के आप अपने इंटरनेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना है कि आप अपना अकाउंट कैसे ओपन करवा सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा कि बंधन बैंक में ऑनलाइन एक सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करवा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं Nilesh094, या फिर पर्टिकुलर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह नॉलेजेबल एंड यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।